वाकई तैमूर तुम सच कह रहे हो, मैं ताया बनने वाला हूं? यार कितनी बड़ी खुशी की खबर तुमने सुनाई है यार, मेरा तो दिल खुश कर दिया तुमने। क्या हुआ, तुम इतने बुझे बुझे से क्यों हो? तुमने अपनी भाभी को बताया? वो तो खुशी से पागल हो गई होगी। जी भाई, आज सुबह ऑफिस आने से पहले बताया था। क्या हुआ, परेशान हो? समझ नहीं आ रहा भाई। क्या मतलब? ओहो, तो तुम उस झगड़े की बात कर रहे हो जो तुम्हारे और फलक के दरमियान शायद उसके कजन की वजह से हुआ था, और तुम मुझे किंजा बता रही थी कि तुम फलक को उसकी खाला के घर छोड़ने गए थे सुबह। रात नसीम खाले को हार्ट अटैक हो गया था तो वो हॉस्पिटल में थे। फलक को भी मैं हॉस्पिटल ले गया, वहां जाके वो खुद बेहोश हो गए। तैमूर, फलक बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके बारे में गलतफहमी का शिकार। भाई मैंने खुद उन दोनों को आपस में फोन पर बात करते हुए सुना है। उसको गिफ्ट भेजता है, इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, तभी वो वहां जाकर उससे अभी भी कांटेक्ट में है। तैमूर, मैं फिर तुमसे वही कह रहा हूं कि तुम बिला वजह शक कर रहे हो और अपनी खुशगवार जिंदगी को खराब कर रहे हो। क्या मालूम कि वो फलक को तंग करने के लिए सब कुछ कर रहा हो, ताकि तुम खुद ही गुस्से या गैरत में आकर फलक को छोड़ दो और उसका रास्ता खुल जाए। मुझे नहीं पता भाई, मेरा दिल साफ नहीं है फलक की तरफ से। ये बात तुम भूल रहे हो कि फलक अब अकेली जान नहीं है, इसके साथ दूसरी जान भी है जिसे तुम्हारी तवज्जो और प्यार की जरूरत है। वरना मुझे तो डर है कि खुदा ना खास्ता तुम अपनी इस आने वाली खुशी को कहीं खो ना दो। मैं जितना भी सोच लूं मेरा दिल नहीं मानता, और ना ही मेरा इतना बड़ा ज़र्फ है। फिलहाल मैं फलक को वापस नहीं लाऊंगा। जूस पियो। फिर डॉक्टर ने तुम्हारे सामने कहा है ना कि स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स करो। तुम यहां क्या कर रही हो? पार्किंग में आती हुई गाड़ियां गिन रही हो? ओह अच्छा, तो तुम तैमूर का इंतजार कर रही हो। बेटा जितना वो तुमसे बदजन हो चुका है ना, तुम्हें क्या लगता है वो वापस आएगा? बीबी हूं मैं उसकी, जरूर आएगा वापस। ओह बड़ा गुरूर है तुम्हें मिस्टर तैमूर की बीवी होने का। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तुम्हारा गुरूर टूटने वाला है। सोनिया क्या दुश्मनी है तुम्हें मुझसे? मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहा, तुम्हारे अच्छे के लिए दुआ की है। तुम हो कि मेरी जान ही नहीं छूट। बस बस
मेरे पास ना इतना फजूल टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का, पता नहीं बैठी बैठी क्या सोचती रहती है। इतना बुरा कहाँ से सोच लेती हो मेरे लिए? तुम जितना भी बुरा सोचो, मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन है कि मेरे साथ जो होगा बिल्कुल अच्छा होगा। आसिम कहाँ जा रहे हो? मेहमान आना शुरू हो गए। तो मैं क्या करूं? तुमने क्या करना है? तुम्हें साफ लफ्जों में बता तो चुकी हूँ। नसरीन आंटी को हार्ट अटैक आया, वो हॉस्पिटलाइज हैं और रात से सोनिया उनके साथ अकेली है बेचारी वहां पर। क्या लगती है सोनिया तुम्हारी? अगर आप मामा का ब्लैकमेल नहीं करती ना तो बहुत कुछ लग सकती थी वो मेरी। तो भूत उतरा नहीं है अभी तक? मैं लेट हो रहा हूं, मुझे प्लीज जाने दे। माँ को मेहमानों के सामने तमाशा बना के जाओगे? मैंने आपसे नहीं कहा था इस हुजूम को इकट्ठा करें घर में? किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? सारी तमीज भूल गए हो? खैर तुम कहीं नहीं जा रहे, चेंज करके आओ, फंक्शन शुरू होने वाला है। फंक्शन खत्म होने के बाद मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी नसरीन को देखने। आपका फंक्शन खराब नहीं होगा, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा ना फंक्शन खत्म होने के बाद ही कहीं जा सकोगे। अम्मी मैं कह रहा हूँ ना मुझे जाने दे प्लीज, मैं आ जाऊंगा वापस। आसिम याद रखना, अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला ना तो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दोगे। और तुम्हें पता है कि मैं अपनी बात की कितनी पक्की हूँ। भाभी वो फलक एक्सपेक्ट कर रही है, डॉक्टर ने बहुत आराम का कहा है उसको। मैं खुश भी हूँ परेशान भी हूँ। नहीं नहीं फलक माँ नहीं बन सकती। फलक कैसे माँ बन सकती है? अगर फलक के बच्चे हो गए वो तो इस जायदाद के हिस्सेदार बन जाएंगे। बच्चों के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं फलक के बच्चे? नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता।